टीवी एक्टर और बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट रहे जीशान खान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्टर ने कास्टिंग काउच को लेकर अपने अनुभवों का खुलासा किया। एक्टर ने बताया कि किस तरह उन्हें एक मीटिंग में कपड़े उतारने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ साथ एक्टर्स के साथ भी कास्टिंग काउच की घटनाएं होती रहती हैं। इस बारे में कई एक्टर्स खुलासा कर चुके हैं, लेकिन अब जीशान ने खुद के साथ हुई आपबीती के बारे में बताया है। जीशान खान ने कहा है कि उन्हें एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया था और कपड़े उतारने के लिए कहा। जीशान ने बताया कि ये घटना उनके दूसरे शो के बाद हुई, जब लोग उन्हें थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे। एक्टर ने कहा कि इस तरह की चीज़ों के बाद भी आगे बढ़ना लोगों की व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन वो इस सिचुएशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर पर भड़के नहीं, बल्कि उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वो उनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही एक्टर ने डायरेक्टर से ये भी कहा कि वो उनके प्रोफेशन पर फोकस करें। कास्टिंग काउच के अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए जीशान ने कहा कि डायरेक्टर ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। डायरेक्टर ने कहा था कि एक किरदार एक कॉलेज के लड़के का है, इसलिए वो देखना चाहता था कि जीशान शारीरिक रूप से कितने फिट हैं। इसके बाद डायरेक्टर ने जीशान को टी शर्ट उतारने के लिए कह दिया, जिस पर जीशान ने कहा कि ठीक है, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो जीशान के पैर देखना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ शरीर के ऊपरी हिस्से पर काम करते हैं। इसके बाद जीशान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तब डायरेक्टर ने कहा, अरे यार, अब तो समझ गया होगा तू। इस पर जीशान ने जवाब दिया, मैं समझ गया हूँ सर, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं ऑडिशन दूंगा और अभी भी आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इन सब चीज़ों से खास फर्क नहीं पड़ता।